दिल्ली के इंद्रलोक कॉलोनी में नमाजियों को लात मारने पर सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर को सस्पेंड कर दिया गया है। यह घटना 8 मार्च की है, जब लोग सड़कों पर नमाज अदा कर रहे थे। पुलिस वाले उन्हें हटा रहे थे, तब यह घटना घटी, जिसका वीडियो वायरल हो गया और मामला बढ़ गया। इंद्रलोक पुलिस चौकी को घेर कर नारेबाजी की गई और मनोज तोमर को सस्पेंड करने के आदेश जारी हो गए। सोशल मीडिया पर लोग मनोज तोमर के समर्थन में उतर आए, हालांकि कुछ लोग ने इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। मनोज का समर्थन करने वालों का कहना है कि मनोज तो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे, उन्होंने नमाज पढ़ने वालों को समझाया लेकिन वे नहीं माने, इस पर उन्हें बल का इस्तेमाल करना पड़ा। मनोज को सस्पेंड करना बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों का कहना है कि सड़क पर नमाज अदा ही क्यों करना, इस कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है और लोगों को परेशानी होती है। कल भी ऐसा ही हुआ, तो एसआई मनोज तोमर को पुलिस कर्मी वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाया। जब बात नहीं मानी गई तो उन्होंने लात मारना शुरू की। इस बात पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने इंद्रलोक चौकी को घेर कर मनोज तोमर पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। डीसीपी मनोज तोमर ने भीड़ को समझाया, इसके बावजूद कुछ वाहनों पर पथराव भी हुआ। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि मनोज द्वारा लात मारना गलत था, उन्हें ऐसा नहीं करना था। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।